कम उम्र में बड़ा कमाल, दिल्ली की नबीला ने 19 साल की उम्र में सियासत और जंग जैसे बड़े मुद्दों पर किताब लिख डाली है और नबीला ने इस विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहारा लिया है काल्पनिक किरदारों का। उन्नीस साल की उम्र में जब लड़के लड़कियां कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती कर रहे होते हैं तो उसी उम्र में दिल्ली की नबीला जमशेद ने अपनी पहली किताब लिखकर सबको चौंका दिया है। विश अपॉन अ टाइम नाम की ये किताब कुछ ही दिनों पहले बाजार में आई है और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि इस किताब में युद्ध, आतंकवाद और राजनीति जैसे बड़े बड़े मुद्दों को छुआ गया है। किताब में काल्पनिक दुनिया के किरदारों के जरिए बात रखने की कोशिश की गई है। राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रही नबीला ने ये किताब एक साल में लिखी है। इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा है, जैसे कि पीस के बारे में और नॉन वायलेंस के बारे में अगर कोई मैसेज देना हो, एंड उसमें से मुझे सबसे अच्छा मीडियम ये मिला कि मैं किसी ये कोई फैंटेसी नॉवल लिखूं जिसमें मुझे अपना वर्ल्ड क्रिएट करने का फ्रीडम मिले और अपनी तरह के कैरेक्टर्स और अपनी तरह के यू नो मैजिकल क्रिएचर्स, एवरीथिंग, मतलब आप जादू से कुछ भी कर सकते हैं। नबीला के कमरे में घुसते ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसे किताबें पढ़ने का कितना शौक है। किताबों को पढ़ने के साथ साथ लिखने का सपना भी नबीला ने कई साल पहले देखा था और फिर स्कूल के आखिरी कुछ दिनों में उसके मन में एक ऐसी कहानी आई कि सबसे छिपकर उसने इसे कागज पे उतारना शुरू कर दिया। There are 2, 3, 4 levels in fact where we find, as you said, that serious issues of terrorism, parallel universe, and you know, right and the wrong, and you know, that final जो एक युद्ध चल रहा है सच्चाई और झूठ के बीच में या अच्छाई और बुराई के बीच में और फिर उसमें कैसे विक्ट्री होती है। कुछ लोग ये भी यू नो उनका होता है कि यू नो फैंटेसी नॉवल इंडियन राइटर ने लिखी है, यू नो, तो इट्स मोर ऑफ एन इंटरनेशनल थिंग, बट आई कंटिन्यू टू बिलीव इन माई राइटिंग और फाइनली वो दिन आया जो मुझे अच्छा पब्लिशर, पब्लिशिंग हाउस मिल गया है। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस भी राइटिंग में करके 1000 कॉपीज छापी हैं पहले एडिशन में। और अब अपनी पहली कामयाबी के बाद नबीला इस रुचि को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहती है। एक सपना पूरा हुआ और अब नबीला ने अगले पर काम करना शुरू कर दिया है। इरादा जल्द ही एक नई किताब लिखने का है। तानिया दवे, स्टार न्यूज़, दिल्ली।